परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से हो पेजी कलीसिया में स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सर को झुका के उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। और आज हम तेरे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं। इस पवित्र दिन में परमेश्वर तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने का सुंदर सौभाग्य दिया है राजा। तूने हमारे लिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं किया है, तू हमसे कितना अत्यंत प्रेम करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। राजा हम प्रार्थना करते हैं जब हम तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, तो हमारे मध्य में आ जा परमेश्वर। जैसे कि तेरे वचन में लिखा है, जहां पे दो या तीन लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में मौजूद हूं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस पूरे हफ्ता आपने परमेश्वर हमें संभाला है, हमें भला चंगा रखा है, हमारी सारी जरूरतों को आपने पूरी की है राजा, हमारे हर एक चीजों का ख्याल रखा है। वो परमेश्वर इस संसार में, इस देश में अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं, अनेक एक्सीडेंट हो रहे हैं, अनेक लोग अस्पताल में परमेश्वर पीड़ित हैं, लेकिन तूने हमें भला चंगा रखा है, अपने कलीसिया में आने के ये सुंदर अवसर दिया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी भलाइयां हमारे जीवन में अनगिनत हैं, आपके उपकार हमारे जीवन में अनगिनत हैं परमेश्वर। आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। ये संसार बदल जाए, इस संसार की हालात बदल जाए, इस संसार के लोग और रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन तेरा वचन परमेश्वर ना बदलने वाला वचन है। तेरा वचन जीवित है परमेश्वर, तेरे वचन में परमेश्वर ताकत है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर उस यीशु नासरी के नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर, उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए सहायता कर। तालियां बजा के परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में भर के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलके इस ऑनलाइन हिंदी आराधना में भागी हैं, उन्हें आशीष दे राजा, उन्हें बरकत दे परमेश्वर, उनके साथ रहे परमेश्वर। हम सबको परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। जब हम गीतों को गाएं राजा, वो परमेश्वर हर एक पंक्तियों के अर्थ को समझते हुए परमेश्वर गीत को गाने के लिए सहायता कर राजा। आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हमने ऐसा कोई भी परमेश्वर कार्य नहीं किया है कि हम जीवित रहें, लेकिन परमेश्वर तेरी करुणा हमारे जीवन में है राजा। तेरी करुणा परमेश्वर और अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर जीवित हैं। हम इस वक्त तेरी आराधना कर रहे हैं राजा। इस पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति चाहिए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए। हमारा दिल, दिमाग परमेश्वर, हमारी सोच सब आपकी उपस्थिति में लगी रहने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस इतवार के दिन में ये सुंदर सौभाग्य दिया है कि आप सबको इस ऑनलाइन माध्यम से आपके बीच में आके इस आराधना को शुरू करके कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले हैं। इस गीत को गाएंगे, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से अटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, अटके हुए जीवन को प्रभु से भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, संसार की आशा भरी नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, इतने प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक एक पंक्तियों में कितना ज्यादा अर्थ है कि हमारे जीवन में एक आग होनी चाहिए ताकि हम सब जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, वो लोग अनेक आत्माएं जो नरक की ओर जा रही हैं
अनेक आत्माएं जो भटकी हुई हैं, जो उस मार्ग और सत्य और जीवित परमेश्वर को नहीं जानती हैं, उन्हें राह दिखाना है। गीतकार ऐसे लिखता है, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। अनेक समय में हमारे को हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियां इतनी मुश्किल लगती है, इतनी कठिन लगती है, लेकिन इस गीतकार ने कितने सुंदर रीति से लिखा है, ये सरल रास्ते हैं जो भी कल खुले नहीं होंगे। एक ऐसा भी समय आने वाला है कि हमें प्रचार करने का मौका ना मिले, इसलिए हमें उस परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए, उस परमेश्वर की स्तुति सदैव करते रहना चाहिए। वो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो।
उसकी स्तुति करो, वो हमारा पिता हम उसकी संतान। उसकी स्तुति करो, वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है। वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है। वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, परमेश्वर तू कितना अच्छा है, तू कैसा भला है राजा, तू हमारा परमेश्वर है। और तू ये चाहता है कि हम निश्चय इस बात को जान ले, तू हमारा पिता है, हम तेरी संतान है। तू हमारा अच्छा चरवाहा है, हम तेरी चुनी हुई भेड़े हैं राजा। वो परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं, इतने महीने परमेश्वर तूने हमें चलाया है, हमें संवारा है परमेश्वर। हमारे दुख के समय में, हमारे खुशी के समय में, हमारे खामोशी के समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा। हमारे हाथ को परमेश्वर तूने थाम लिया, हमें अपने वचन से परमेश्वर तूने तसल्ली दी, शक्ति दी राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक समय में हमारी जो जीवन की नैया थी विपरीत रीति से चल रही थी, जीवन की हर एक परिस्थिति विपरीत हो गई थी, लेकिन तूने परमेश्वर सही समय पे राजा हमारे जीवन को संवारा है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरी आराधना करने के लिए आए हैं। जब हम कुछ नहीं थे, उस समय में परमेश्वर तूने हमें चुन लिया। वो परमेश्वर तेरा प्रेम कितना गहरा है, तू हमसे कितना प्रेम करता है राजा। हमारे जीवन में परमेश्वर जितनी भी जरूरतें हैं राजा, सही समय पे परमेश्वर सही चीजों को दिया। सही समय पे परमेश्वर तूने सही लोगों को हमारे जीवन में लेके आया। सही समय पे परमेश्वर तूने हमारे जीवन से उन लोगों को हटाया राजा, जो हमें ठेस पहुंचाते थे, जो हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर एक कांटे के नाई थे। वो परमेश्वर जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा
स्तुति तेरी मैं सर्वदा, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, कूड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति उचगाए दे दिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने समय तक परमेश्वर आंखों की पुतली के नाए आपने हमारी रक्षा की राजा, और अपने प्रेम को परमेश्वर हमें महसूस करा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु अपनी आखिरी सांस तक हमें तेरे प्रति वफादार रहने के लिए सहायता कर, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए सहायता कर, हमें पवित्र कर परमेश्वर, हमें पवित्र कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर, इस समय परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को परमेश्वर अपने लहू में छुपा ले परमेश्वर, तेरे वचन से तू हमसे बातचीत करना जा। सारा आदर हम आपको लेते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह और मदर मिट्टा नाम से सबको मैं स्वागत करता हूं। हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अच्छा मौका दिया है। परमेश्वर के वचन की ओर से हमारे मन को लगाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है, हमसे बोलने वाले परमेश्वर। जब प्रभु यीशु के पास हम आते हैं, जो परमेश्वर हमसे बोलता है, परमेश्वर हमसे वो बातचीत करता है। प्रभु की महिमा हो, जिसको हम आराधना करते हैं वो जीवित और जिंदा खुदाबन परमेश्वर। प्रभु यीशु ने कहा, मैं मर गया था, अभी देख युगान युगक में जीवित परमेश्वर हूं। इसलिए जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आइए हमारा मन को दिल को खोल दें, ताकि परमेश्वर हमसे इस समय बात करने वाला है। आइए मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 6:33 वहां पर ऐसा कहता है, मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 6:33 ऐसा कहता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज उसकी धर्मी को खोज करो, उसके बाद सारे बलि वस्त्र आपके जीवन में मिल जाएगा। परमेश्वर यीशु कहता है, सबसे पहले हमारा जीवन में परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान दें। सबसे पहले परमेश्वर के राज उसी धर्मी को खोज करो,
उसके बाद सारे बलि वस्तु हमारे जीवन के अंदर मिल जाएगा। उसके पहले वचन ऐसा लिखा है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, किसको हम फेंकेंगे करके कई प्रकार की बातों को हम सोचकर हम निराशा हो जाते हैं और चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है हम क्या फेंकेंगे, तो परमेश्वर हमें खिलाता है, पिलाता है, वो फैनाता है। इसलिए कि परमेश्वर वचन इतनी साफ तौर पर कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज, जब प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसके राज्य को हम ढूंढते हैं, वहां से हमारा जीवन की हर एक आवश्यकता वो पूरा हो जाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो देने वाले परमेश्वर, हमसे लेने वाले परमेश्वर नहीं। जो प्रभु के नाम लेकर मांगते हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर के नाम लेकर जो कुछ कार्य और विषय को उनकी उनके पास और उनके सामने रखते हैं, वो परमेश्वर सुनता है। इसलिए इतनी और परमेश्वर साफ तौर पर प्रभु कहता है कि और मेरे से मांग, मुझसे मांग, अब जो कुछ आप मांगोगे उसके मैं पूरा करूंगा करके प्रभु ने वायदा कर रखा है। प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु के पास हम आएंगे और प्रभु यीशु से मांगे, हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता को वो पूरा करने के लिए परमेश्वर तैयार में है। और एक चीजों को और एक सच्ची घटना के आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जब परमेश्वर के पास जो आते हैं उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। जो लोग प्रभु यीशु के पास और कुछ विषय को लेकर, कुछ परेशानी को लेकर, जो प्रभु यीशु के पास जो लोग आते हैं उनके जीवन के अंदर परमेश्वर बड़े रूप से प्रभु कार्य करता है। कोई भी हो जो परमेश्वर के पास अपने नाम लेकर, प्रभु के नाम लेकर उनके पास जो लोग आते हैं, उनको परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु ने बड़े रूप से प्रभु ने कार्य करता है। मैं इस समय आपको आपके जीवन के अंदर मैं एक चुनौती देना चाहता हूं, प्रभु यीशु को फरक कर देखें, उनके पास आए और उनके निकट आए और प्रभु से मांगे। आपके जीवन के अंदर कितनी परेशानी हो, क्यों ना हो, उसको परमेश्वर उस परेशानी को परमेश्वर दूर करने वाला है। यहां पर एक सच्ची घटना लिखा गया है, मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय की 21 से लेकर 28 तक मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय की 21 से लेकर 28 तक मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक सच्ची घटना है। पर यीशु ने उस स्थान को छोड़कर जोर और सैदा की ओर से चल पड़ा। वहां की एक कानानीय स्त्री आई और चिल्लाने लगी, ये प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री पर वो दुष्ट आत्मा पूरी तरह वो सवार है। और यीशु ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा और उसके शिष्य उसके पास आए और विनती करने लगा, ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसलिए इसको दूर हटाओ। तो यीशु ने उत्तर दिया, मुझे केवल इज़राइल लोगों के लिए जो खोए हुए भेड़ों की अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया है। तब उस स्त्री ने यीशु के सामने झुककर और विनती की, ये प्रभु मेरी रक्षा कर। और उत्तर में यीशु ने कहा, ये तो उचित नहीं है कि बच्चों की खाना को लेकर उसे घर की कुत्ते की आगे उसके सामने डाल दिया जाए। तो वो और बोलने लगी, ये तो ठीक है प्रभु, और किंतु परंतु अपनी स्वामी की मेज पर किरे हुए जो टुकड़ा है, थोड़ा बहुत तो उस घर के कुत्ते तो खा सकता है। तब यीशु ने कहा, स्त्री मेरे प्रभु यीशु ने कहा स्त्री तेरे विश्वास बहुत बड़ा है, जो तू चाहती है तो तू जानती है वो पूरा हो जाए। तब परमेश्वर वहां पर अपनी चमत्कार को पूरी तरह प्रकट किया है। हम जानते हैं जो प्रभु यीशु एक बार एक गांव में प्रभु यीशु वो सेवकाई कर रहा है, वहां पर एक कानानीय स्त्री है, ये अन्य जाति एक स्त्री प्रभु यीशु के पास आया, अपनी समस्या को लेकर उनके पास आया। यहां पर हम अच्छी बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। अपनी बेटी को ऊपर एक दुष्टात्मा है, पूरी तरह उस दुष्टात्मा उनकी जीवन में बहुत सारे कठिन और परेशानी को लेकर आया। ये बात को लेकर प्रभु यीशु के पास वो मां आकर कही, ये प्रभु यीशु मेरा बेटी को ऊपर तो दया करें, वो दुष्टात्मा से बहुत तड़प रही है, वो दुष्टात्मा रोज उसको तंग कर रही है, इसलिए प्रभु यीशु मेरे बेटी को अब छुटकारा करें।
तब ये बातों को लेकर प्रभु यीशु के पास आ रही थी, तब प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा। वहां पर लिखा है, प्रियो मैं आपको यही बात को कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु के पास आते हैं तब परमेश्वर हमसे बोलता है, जब हम विषय को लेकर प्रभु यीशु ने उत्तर को देता है, कई कभी कभी परमेश्वर चुपचाप रहकर हमारा विश्वास कितना बड़ा करके परमेश्वर देखने के लिए इंतजार भी करता है। मैं यही कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु के पास आते हैं आमतौर पर प्रार्थना ना करें। यदि प्रार्थना, जब प्रार्थना विषय को लेकर आते हैं, यदि प्रभु सुने ना सुने करके आप ऐसा प्रार्थना ना करें, मगर प्रभु यीशु के सामने जो प्रार्थना विषय को रखते हैं गंभीर रूप से प्रार्थना को रखें। और प्रभु यीशु कहता है जो प्रार्थना करते हैं और दिल से प्रार्थना करें, जो आप लोग प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ आप लोग प्रार्थना करें। ये स्त्री तो आई है अपनी बेटी की समस्या को लेकर प्रभु यीशु के पास आया, उन्होंने प्रभु यीशु के सामने उस विषय को रखने के लिए आई थी, मगर प्रभु यीशु ने नहीं सुना। वो तो प्रभु यीशु जाते रहा है, प्रभु यीशु तो जाते रहा है। वहां पर लिखा है कि ये प्रभु यीशु मुझ पर दया करे करके उन्होंने चिल्लाने लगी। तो प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु यीशु तो इनकी इनकी पास मोड़कर कुछ ही शब्द को नहीं कहा है, तो प्रभु यीशु मेरे से बात नहीं कर रहा है इसलिए मैं मोड़कर अपने घर वापस लौटना चाहता हूं करके वो स्त्री वापस नहीं लौटी। ये तो हम इसी बातों को यहां पर हम सीखना चाहिए। प्रियो मैं आपको ये बात को मैं कहना चाहता हूं, ये तो चिल्ला रही थी तो प्रभु यीशु तो जा रहा है, ये तो अपनी विषय को प्रभु यीशु के सामने रखना चाहती थी मगर प्रभु यीशु और वो तो जाते रहा है। वह ये तो पहला रुकावट को हम जाते हैं, तो प्रभु यीशु के पास आई मगर अभी तक उनके जीवन के अंदर कोई भी छुटकारा नहीं मिला है। तो प्रभु यीशु के पास वो तो आई है, वो तो चिल्ला रही है मगर अभी तक उत्तर नहीं मिला है, मगर प्रार्थना को ना छोड़े। ये स्त्री है, प्रभु यीशु के पास आया और चिल्लाने लगा तो प्रभु यीशु तो जाते रहा है मगर मोड़कर उनको उत्तर नहीं दिया है। और ये स्त्री भी, जो तो मेरा प्रार्थना को प्रभु यीशु नहीं सुन रहा है, मैं भी मोड़कर जाता हूं करके वापस नहीं मोड़ी। ये तो इस बातों को हम सीखना चाहते हैं। प्रियो जब प्रभु यीशु के पास हम आते हैं मन से दिल से आए, और दूसरी रुकावट को हम देख सकते हैं, जब ये तो चिल्ला रही है और शीशे भी वहां पर जो परमेश्वर की चेलों भी कुछ काम नहीं कर रहा है, सभी लोग उसको छोड़ दिया है, प्रभु यीशु चुपचाप वो जा रहा है और प्रभु की चेलों भी उन्होंने कुछ कार्य को नहीं किया है, उनके मन में कितनी मतलब उनके मन में इतनी तरस उन्होंने खाया होगा, प्रभु की महिमा हो उनके मन में कितनी दुखी हो गया होगा प्रियो, मगर उन्होंने नहीं मोड़ा है, कई प्रकार के रुकावट को तोड़कर उन्होंने प्रभु यीशु के पास आया। जब प्रभु यीशु के मंदिर में आते हैं आराधना के लिए, जब हम घर को छोड़कर मंदिर में आते हैं प्रियो, कई प्रकार के रुकावट हमारे जीवन में आएगा, वो कई प्रकार के शैतान हमारे सामने रुकावट को डाल देगा, मगर उसको तोड़कर तब प्रभु यीशु के पास हम आते हैं, तभी हमारा प्रार्थना विषय को प्रभु सुनकर प्रभु कार्य करता है। ये स्त्री ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया, प्रभु प्रार्थना को सुने ना सुने मगर मैं रखूंगा, मैं ना सुनता तो अच्छा है, नहीं सुनेगा तो मैं जाऊंगा करके वो वापस नहीं लौटी। ये बात को वहां पर हम सीखना चाहते हैं। रुकावट, पहला रुकावट प्रभु उत्तर नहीं दिया है, दूसरा रुकावट चेलों भी उनको उत्तर नहीं दिया है, फिर भी उन्होंने चिल्लाने लगा प्रभु यीशु के पास आने के लिए, उन्होंने मन को मोड़ा है, जब तक प्रभु कार्य करें तब तक मैं उनको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगी करके उन्होंने प्रार्थना करने लगा। जब तक प्रभु यीशु मेरे से मोड़कर प्रभु यीशु कार्य ना करें तब तक उनको मैं ना छोड़ूंगी करके प्रभु यीशु के पीछे उन्होंने चिल्लाने लगा। ये तो उनके विश्वास को हम देखते हैं प्रियो, प्रभु की महिमा हो। अब दूसरी रुकावट को हम देखते हैं, जब चेलों ने प्रभु यीशु के पास जाकर विषय को बताया तब प्रभु यीशु ने कहा, मैं तो सिर्फ इज़राइलियों के लिए आया है, इज़राइलों को मुक्ति के लिए आया हूं, सिर्फ उन्हीं लोगों को परमेश्वर प्रभु की महिमा हो, उन्हीं लोगों की जो छुटकारा देने के लिए बचाने के लिए मैं धरती पर आया हूं करके और दूसरी रुकावट को उनके सामने रखा है। तब उन्होंने बताया, ये स्वामी मुझ पर दया करें। वो स्त्री उनके पास आकर और झुकने लगी और प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर तू सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर नहीं अब सबका परमेश्वर है, मैं जानता हूं तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं जानती हूं मेरे लिए आप मेरे लिए भी धरती पर आया है करके उन्होंने जानती थी। तो परमेश्वर प्रभु यीशु कौन है?
प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु धरती पर आया है सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु धरती पर आया है सिर्फ कुछ लोगों को छुटकारा देने के लिए नहीं, और प्रभु यीशु धरती पर आया है सिर्फ इजराइलों को मुक्ति देने के लिए नहीं, मगर बाइबल साफ कहता है परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया इसलिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये स्त्री जानती थी मेरा परेशानी कहां मिट जाएगा, मेरा समस्या कहां पर मिट जाएगा, वो जानती है कि वो प्रभु यीशु के अलावा मेरा परेशानी को घटाने वाले कोई भी दुनिया में नहीं है, मेरे समस्या को मेरे से दूर करने के लिए प्रभु यीशु के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए उन्होंने बताया ये स्वामी ये परमेश्वर ये स्वामी मुझ पर दया करें। उन्होंने सिर चुकाने लगी और प्रार्थना करने लगी और मन में निर्णय लिया ओ प्रभु की महिमा हो, ये मेरा परमेश्वर है ये मेरा स्वामी है, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं, ये प्रभु यीशु है ये सिर्फ इज़राइलों के लिए नहीं वो मेरा स्वामी है। प्रियो मैं आपकी मन में ये विश्वास को मैं दिलाना चाहता हूं, मैं आपको प्रभु यीशु के पास निकट मैं आपको लेकर आना चाहता हूं। प्रभु की महिमा क्या है, धन्य है जो प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास करते हैं, धन्य है जो प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास करते हैं। प्रियो कोई भी हो मगर जो लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास को रखते हैं और प्रभु के राज्य को ढूंढते हैं उनको प्रभु कार्य करता है। आप यदि आप मन खोलकर दिल खोलकर यदि आप प्रभु यीशु के पास आए ये स्वामी मुझ पर दया करें करके यदि आप बुखार हैं परमेश्वर आपको उत्तर देने वाला है। आप दूर ना खड़े हो जाएं, अब दूर होकर मैं तो पापी हूं मैं तो अन्य जाति हूं मैं तो प्रभु यीशु को नहीं जानता हूं बाइबल को नहीं जानता हूं आराधना कैसे करना मैं नहीं जानता हूं मैं कैसे प्रार्थना करूं करके ना सोचे, मगर एक शब्द काफी है। ये जैसे ये स्त्री ने प्रभु यीशु के पास आकर और सिर झुकाकर उन्होंने कहने लगी ये स्वामी, ये शब्द उनके जीवन के अंदर बड़े रूप से कार्य को लेकर आया है। ये स्वामी मुझ पर दया करें ये शब्द प्रभु यीशु की ओर से एक चमत्कार को लेकर आया है। ये स्वामी मुझ पर दया करें, जब उन्होंने अपनी आवाज को उठाए तब वहां पर लिखा है प्रभु वहां पर अपने हाथ को फड़ाकर उसी मां की बेटी को प्रभु ने छुटकारा दिया है। यही कहना चाहता हूं, एक शब्द को बोले ये स्वामी प्रभु यीशु के पास आकर कहें ये स्वामी प्रभु के लिए काफी है। एक अंधा व्यक्ति था फर्द में करके वो सड़क के बीच में उस सड़क के किनारे में बैठकर भीख मांग रहा था। उन्होंने एक आवाज को सुना, बड़ी भीड़ तो जा रही है। उन्होंने पूछा वहां पर क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है करके उन्होंने पूछने लगा, तभी सभी लोग बोलने लगे कि यहाँ तो प्रभु यीशु जा रहा है। सो उन्होंने अपने शब्द को उठा, ये दाऊद का संदान ये दाऊद का पुत्र है मुझ पर दया करें। तब प्रभु यीशु ने उस शब्द को पकड़कर वो अंधे को आंखों दी और रोशनी दिया है। प्रियो इस आराधना में जो भाग ले हैं मैं आपको प्रभु यीशु के पास में बुलाता हूं। आप जो कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं मगर फिर भी मैं आपको बुलाता हूं और मैं बोलना चाहता हूं कि एक शब्द प्रभु के लिए काफी है। यदि मन खोलकर प्रभु यीशु मुझ पर दया करें प्रभु दया करने वाला है। प्रभु यीशु के पास आकर ये स्वामी मुझे मेरे जीवन के अंदर चमत्कार कार्य करें जो प्रभु यीशु चमत्कार कार्य करने वाला है। यहां पर उन्होंने एक शब्द कही ये स्वामी बस काफी है, तो प्रभु ने उसी प्रार्थना को सुनने लगा। वहां पर हम देखते हैं जब उन्होंने बताई और दूसरी तीसरी रुकावट को देखते हैं तो प्रभु यीशु के पास अपनी प्रार्थना विषय को उन्होंने रखने लगी। तब प्रभु ने बताया कि ये तो रोटी को जो फच्छों की रोटी को लेकर मैं तो गुत्थे को सामने डाल नहीं सकता है। वहां पर उन दीन और नम्रता उस स्त्री की जीवन के अंदर इसी बातों को हम देख सकते हैं। तो प्रभु ने और एक रुकावट को उनके सामने डाला, बताया कि तो ये तो फच्छों की रोटी को लेकर मैं तो गुत्थे के सामने डाल नहीं सकता हूं। उन्हें उस स्त्री ने उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं बोला, स्वामी क्यों ऐसे कह रहे हो, मैं तो परेशानी के साथ आपके पास आया है, समस्या के साथ आपके पास आया है, मेरे तो मेरा बेटी तो शैतान से पकड़ा हुआ, मेरे बेटी को आपके पास लेकर आए हैं तो आगे पीछे क्यों बोल रहे हो करके उन्होंने परमेश्वर के सामने कई प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया है। वहां पर उन्होंने बताया प्रभु तो मैं तो जानता हूं
महर जो रोटी से गिरा हुआ जो टुकड़े को तो गुथे तो खा सकता है, कितनी और दीन और नम्र है। प्रियो परमेश्वर चमत्कार कार्य करना चाहता है जब उनके पास और दीन नम्र होकर उनके पास हम जाते हैं। प्रियो प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर पवित्र है, हम तो पापी है, मगर जब अब दीन हम नम्र होकर उनके पास हम जाते हैं, हमारा प्रार्थना विषय को प्रभु सुनना चाहता है, हमारा विनती और प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर वो कार्य करना चाहता है। जब दीन और नम्र होकर उनके पास हम जाए हैं, प्रभु मेरे लिए ये नहीं हो सकता है, ये तो असंभव है, जब हमारा जो सामर्थ और शक्ति को जी तो लायक नहीं करके अंगीकार करते हैं तभी प्रभु कार्य करता है, परमेश्वर चमत्कार कार्य को करता है। ये स्त्री कितनी रुकावट है, जब प्रभु यीशु जा रहा है ना तो सुनकर, और दूसरी रुकावट कहता है तुम इज़राइल के परमेश्वर हो, वो भी उसी रुकावट को भी तोड़ दिया है, और तीसरी रुकावट बच्चों की रोटी को लेकर गुत्थे को डाल नहीं सकता, तीसरी रुकावट उसको भी तोड़कर बताया तो टुकड़े को तो गुत्थे की बच्चों को तो खा सकती है। प्रियो ये बात हम तो जानते हैं कि इतनी रुकावट को तोड़कर अवर प्रभु यीशु के पास अवर नस्तिक जाने लगा, अवर नस्तिक जाने लगा। प्रभु की महिमा हो, कैसे भी मैं तो मेरा बेटी को प्रभु के हाथों से छुटकारा पाना चाहता हूं, कैसे भी हो मैं प्रभु यीशु की नस्तिक जाना चाहता हूं, मेरा बेटी छुटकारा पाना चाहता हूं करके सारे रुकावट को तोड़कर प्रभु यीशु के पास आया। तब प्रभु ने कहा, बेटी तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं आपकी विश्वास बहुत बड़ा है, मैं चमत्कार कर सकता हूं। प्रियो इस समय इस आराधना के बीच में आपको मैं चुनौती देना चाहता हूं, यही है कि जो प्रार्थना करते हैं महावर बिना उत्तर के बिना ना जाए, जो प्रार्थना करते हैं प्रभु नहीं सुनता करके ना जाए, जो तो प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन के अंदर खुशी नहीं मिल रहा करके ना जाए, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं दीन नम्र होकर मेरे जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं हो रहा करके ना जाए, मगर जब तक प्रभु यीशु मोड़कर हमारे जीवन के अंदर कार्य करे तब तक उनके पास बैठे रहे और उनकी चरणों पर गिरकर प्रभु से विनती करते रहे, एक दिन परमेश्वर हमारा ओर से मोड़कर प्रभु कार्य करने वाला है। एक व्यक्ति को मैं याद दिलाता हूं, याकूब करके एक व्यक्ति था जो प्रार्थना कर रहा है पूरी रात प्रार्थना कर रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रार्थना कर रहा है उत्तर नहीं मिल रहा है। सुबह के समय आया था तब प्रभु ने कहा मैं तो जा रहा हूं मुझे छोड़ दो, तब उन्होंने बताया तब तक मुझे आप आशीष ना करें तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जब तक आप मुझे आशीष ना करें तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा करके उन्होंने प्रार्थना करने लगा। और एक प्रार्थना है एलिया की प्रार्थना, उन्होंने प्रार्थना किया प्रभु यीशु आप प्रभु इस इज़राइल देश के अंदर बारिश को भेजो, उन्होंने प्रार्थना कर देखा है कि वहां पर कोई भी बादल नहीं है, फिर प्रार्थना करने लगा वो बादल को इंतजार में, फिर प्रार्थना करने लगा वो बादल के इंतजार में है, फिर प्रार्थना करने लगा बादल के इंतजार में है। वहां पर लिखा है 7 बार उन्होंने प्रार्थना कर देखा है, वहां पर हाथों की तरह एक बादल को उठाकर आना के वो उठाकर आया, तो उसी बातों को देखकर प्रभु को धन्यवाद किया है। प्रियो जब प्रार्थना में आते हैं प्रभु की उपस्थित में आते हैं आप ऐसा आकर वापस ना लौटें मगर प्रभु से प्रार्थना करें, उनके हाथ को पकड़कर उनके पैरों को पकड़कर प्रार्थना करें, प्रभु प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर। स्त्री आई कई प्रकार की रुकावट फिर भी तोड़कर, हर एक रुकावट को तोड़कर प्रभु यीशु के पास आकर उनके पैर को पकड़कर उसने प्रार्थना किया, मेरा बेटी को छुटकारा देना है करके प्रार्थना की। प्रभु ने उसी विश्वास को देकर उचित करके बताया और उनकी विश्वास के अलावा परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया है, छुटकारा दिलाया है। प्रियो इस समय में आपको प्रभु यीशु के पास में आपको बुलाता हूं आए ऐसो, ये तो आमतौर पर आकर ना जाने वाला है। प्रियो जब प्रार्थना करते हैं गंभीर रूप से प्रार्थना करें, जब प्रभु यीशु के राज्य को ढूंढते हैं मन से ढूंढे हैं, जो कुछ प्रार्थना विषय को प्रभु के सामने रखते हैं विश्वास के साथ रखें ताकि परमेश्वर कार्य करने वाला है। बाइबल में लिखा हमारा परमेश्वर जिंदा खुदावन परमेश्वर, बाइबल में लिखा हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर और कार्य करने वाले परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर और कार्य करने वाले परमेश्वर, प्रार्थना विनती को सुनने वाले परमेश्वर, चमत्कार कार्य करने वाले परमेश्वर, प्रार्थना विषय को सुनने वाले परमेश्वर और छुटकारा देने वाले परमेश्वर।
आए प्रभु के सामने घुटना टेकें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। हम आपके पास आते हैं, मत्ती सुसमाचार की पुस्तक इस 15 अध्याय से अच्छी बातों को सीखने के लिए प्रभु आपने मौका दिया है। इसलिए मन से दिल से प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु जैसे स्त्री ने अपनी परेशानी को लेकर प्रभु यीशु के पास आए हैं और कई प्रकार की जो रुकावट उसको तोड़कर कैसे भी प्रभु यीशु को पैर को पकड़कर विनती कर छुटकारा पाकर जाना करके, तो जैसे उन्हें विश्वास के साथ और आए हैं रुकावट को तोड़कर प्रभु के राज्य को ढूंढा और ढूंढिए हैं प्रभु, जैसे हम भी करने पाए। प्रभु यीशु राजा जब प्रार्थना करते हैं उत्तर नहीं मिल रहा करके निराशा के साथ वापस ना लौटे और प्रार्थना करके परमेश्वर उत्तर को लेकर खुशी के साथ वापस लौट नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, सभी को प्रभु तो आशीष करें, इस कलीसिया को प्रभु तो आशीष करें, इस कलीसिया के साथ परमेश्वर तो सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर, सबको प्रभु तो आशीष करें। हमारा पड़ा पास्टर जी परमेश्वर, उनकी परिवार, उनकी सेवकाई को प्रभु तो आशीष करें। यहां पर जो संगति हो रहा है परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर यहां पर जो आराधना हो रहा है उसमें लोग भाग लेकर तेरे आशीषों को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने के लिए, महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।